हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका आपके चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक होल चिकन की रेसिपी। ये रेसिपी जितनी देखने में जितनी मुश्किल है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें कुछ खड़े मसाले चाहिए होंगे। हमने यहाँ 3 से 4 तेज़पत्ता, 3 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 2 इंच के अराउंड दालचीनी, 1 बड़ी चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और कुछ धनिया लिया है। इस गरम मसाले को हम पीस के पाउडर बनाएंगे। इसमें हम 1 चम्मच जीरा भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमारे गरम मसाले का पाउडर तैयार है। अब हमें चाहिए होगा 2 इंच के अराउंड अदरक, 1 गांठ लहसुन की, कुछ धनिया पत्ता और 3 से 4 हरी मिर्च। इसके साथ ही हमने कुछ सोक किया हुआ बादाम और काजू लिया है और 2 से 3 चम्मच दही। अब इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। ये गया हमारा लहसुन, अदरक और हमारा जो धनिया का पत्ता था। हरी मिर्च भी हम इसमें अपना ऐड कर देंगे और साथ ही अपना सोक किया हुआ काजू बादाम भी ऐड करेंगे। और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट भी हमारा देखिए कितनी फाइन तरीके से बना है, अच्छे तरीके से पिस गया है। अब हम इसमें अपनी दही ऐड कर देंगे। इसके साथ अपना पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें तीखेपन के लिए 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। और इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम करीब 1/2 चम्मच के अराउंड हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे इसमें और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि हमारा पेस्ट और मसाला पूरी तरीके से मिल जाए। अब ये मिल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बटर और इसके साथ ही जाएगा क्रीम। 2 से 3 चम्मच हम इसमें क्रीम डालेंगे। मैंने डाल दिया और अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा होल चिकन है, इसे हमने अच्छे से धो लिया है। चिकन हमारा धुल के रेडी है। अब हम इसमें बनाया हुआ पेस्ट ऐड करेंगे। अब चाहे तो इसे डायरेक्ट हाथों से भी कर सकते हैं। मैं भी यहाँ डायरेक्ट हाथों से ही करने वाला हूँ। चम्मच का इसमें कोई यूज नहीं है। ये मसाला पूरे चिकन में अच्छे से मिला देंगे। आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे चिकन के साथ अपने पिसे हुए मसाले को। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे 30 मिनट के लिए। यहाँ मैंने कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल लिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच बटर डाला है और बटर भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपना होल चिकन डाल देंगे। और अगर हमारे पास इसके बाद भी ग्रेवी पेस्ट या जो भी हमने बनाया था पेस्ट मसालों का वो बचता है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए, मेरा भी बहुत सारा पेस्ट बच गया तो मैंने वो ऐड कर दिया इसमें। अब हम इसे ढक देंगे और धीमी आंच पे करीब 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे कहीं नीचे से ये जल तो नहीं रहा है। वैसे जलने की संभावना यहाँ बहुत कम है। हम इसे 10 मिनट के बाद पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए, हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। ये लगभग सर्विंग के लिए रेडी है। देखिए, ये पूरा चिकन आसानी से निकल जा रहा है। चलिए हम इसे सर्व करेंगे। अब हम इसमें गर्मा गर्म तवा रोटी या रुमाली रोटी, जैसे भी आप चाहें, इंजॉय करें इसको। धन्यवाद देखने के लिए।